वेलकम टू अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस। अंग्रेजी मास्टर जी एक्सप्रेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं कुछ खास, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है खास। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे इट्स टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग अंग्रेजी बोलते समय कब, कहां और कैसे करते हैं। कई बार आप हिंदी में इस तरह के वाक्य बोलते होंगे, जैसे मेरा उससे मिलने का वक्त आ गया है, उसको फोन करने का समय हो गया है, उसका कॉलेज जाने का समय आ गया है, मेरा अंग्रेजी बोलने का वक्त आ गया है। इस तरह के वाक्य को आप बहुत ही आसानी से अंग्रेजी में बोल सकेंगे, बसरते आप इस वीडियो की स्किप ना करिए, इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप इस तरह के वाक्य को अंग्रेजी में बहुत ही आसानी से बोल सके। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे ही आप वाक्य बोलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इट बोला जाएगा, क्या बोलेंगे? इट। उसके बाद अगर है तो इज, और था थी का सेंस है तो वाज का प्रयोग आप करेंगे। उसके बाद टाइम, टाइम के बाद फॉ के बाद ऑब्जेक्ट बोलेंगे, यानी किसका समय हो गया है, मेरा, तुम्हारा, उसका, राम का, राकेश का, राधा का, किसका समय हो गया, वो ऑब्जेक्ट के जगह पर बोलेंगे फॉर के बाद। उसके बाद टू, टू के बाद वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, दो ऑब्जेक्ट यूज किया जाएगा, एक वर्ब के बाद एक फॉर के बाद, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए बिल्कुल। इसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग आप करेंगे। बहुत ही आसान है, इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान है, बसरते आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा आप नहीं सीख सकेंगे। तो एक बार और रिपीट करते हैं हम स्ट्रक्चर को। इट, सबसे पहले इट बोलेंगे, उसके बाद है का सेंस है तो इज, था थी का सेंस आता है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा, यानी पास्ट। उसके बाद टाइम, टाइम के बाद फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसका, मेरा, उसका, तुम्हारा, जो भी आएगा वो यहाँ पर यूज किया जाएगा फॉर के बाद। उसके बाद टू प्लस वर्ब का पहला रूप, वर्ब समझते हैं क्रिया, आना जाना खाना पीना बैठना उठना सोना लिखना पढ़ना सब क्रिया है, इसको हम लोग वर्ब का पहला रूप की जगह पर यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। यदि स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो मैं 100% कहता हूँ कि आप इसका प्रयोग अंग्रेजी बोलने में बहुत ही आसानी से कर सकेंगे, बहुत ही आसानी से, बिना किसी कन्फ्यूज़न के। इसलिए स्ट्रक्चर को समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी वाक्य आप बोलेंगे वो स्ट्रक्चर के माध्यम से ही बोलेंगे, स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही आप वाक्य को बोलेंगे। तो चलिए हम बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। मेरा उससे मिलने का समय हो गया है, मेरा उससे मिलने का समय हो गया है, ध्यान दीजिए। इट इज टाइम फॉर मी, इट इज टाइम फॉर मी टू मीट हर। देखिए, इट इज टाइम मतलब समय हो गया है, फॉर मी मतलब मेरा, टू मीट मतलब मिलने का, हर मतलब उससे। अगला वाक्य, उसको फोन करने का वक्त आ गया है, ध्यान दीजिए, उसको फोन करने का वक्त आ गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है मेरा उसका, इसलिए इट इज टाइम, समय हो गया है टू कॉल हिम, उसको फोन करने का, इट इज टाइम टू कॉल हिम। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। मेरा पढ़ने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर मी, मेरा समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर मी क्या करने का, टू स्टडी, पढ़ने का, इट इज टाइम फॉर मी टू स्टडी। चलिए अगला वाक्य देखिए। उसका खाना बनाने का वक्त हो गया है, उसका खाना बनाने का वक्त हो गया है, इट इज टाइम, समय हो गया है फॉर हर, मीन्स उसका, इट इज टाइम फॉर हर, उसका समय हो गया है टू प्रिपेयर, बनाने का, क्या, फूड, तो इट इज टाइम फॉर हर टू प्रिपेयर फूड, उसका खाना बनाने का वक्त हो गया है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। तुम्हारा जॉब करने का समय आ गया है, इट इज टाइम फॉर यू, तुम्हारा समय हो गया है या वक्त आ गया है, इट इज टाइम फॉर यू टू डू, करने का, टू डू अ जॉब, इट इज टाइम फॉर यू टू डू अ जॉब, तुम्हारा जॉब करने का समय आ गया है। राम का गांव जाने का समय हो गया था, इट वॉज टाइम, समय हो गया था, जब था आएगा तो वाज लग जाएगा इच की जगह पर, इट वॉज टाइम फॉर राम टू गो टू विलेज,
है ना आसान, बिल्कुल आसान है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, मेरा गांव वापस जाने का समय हो गया है, मेरा गांव वापस जाने का समय हो गया है। इट इज टाइम फॉर मी टू गो, इट इज टाइम समय हो गया है, फॉर मी मतलब मेरा, टू गो मतलब जाने का, टू विलेज, इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू विलेज, मेरा गांव वापस जाने का समय हो गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, यानी हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न किस तरीके से बोला जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को ध्यान से समझिएगा। यदि आप स्ट्रक्चर को ध्यान से समझेंगे तो यस नो टाइप जैसा प्रश्न को आप अंग्रेजी में बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप बोलेंगे इज और वाज अकॉर्डिंग टू टेंस, टेंस के अनुसार, यदि था है तो वाज है तो इट, इसके बाद इट के बाद टाइम फॉर ऑब्जेक्ट, नेगेटिव है नॉट टू, वर्ब का पहला रूप ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का प्रयोग। कुछ वाक्य देख लीजिए आप लोग, क्या आपके नहाने का समय हो गया है, हाँ या ना, है ना, यस नो टाइप क्वेश्चन, हाँ या ना में जवाब देने वाले प्रश्न। क्या आपके नहाने का समय हो गया है, इज इट टाइम, क्या समय हो गया है, इज इट टाइम फॉर यू आपका टू टेक अ बॉथ, नहाने का, इज इट टाइम फॉर यू टू टेक अ बॉथ, है ना आसान। चलिए अगला वाक्य देखिए, क्या मेरे अंग्रेजी बोलने का समय आ गया है, क्या मेरे अंग्रेजी बोलने का समय आ गया है, इज इट टाइम फॉर मी, इज इट टाइम फॉर मी, क्या मेरा समय आ गया है, मेरा वक्त हो गया है, इज इट टाइम फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश, क्या मेरे अंग्रेजी बोलने का समय आ गया है, इज इट टाइम फॉर मी टू स्पीक इंग्लिश। अगला वाक्य, क्या पिताजी के उठने का समय नहीं हुआ है, इज इट टाइम, क्या समय हुआ है, फॉर फादर, क्या पिताजी का समय हो गया है नॉट टू गेट अप, नहीं उठने का, क्या पिताजी के उठने का समय नहीं हुआ, इज इट टाइम फॉर फादर नॉट टू गेट अप। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप क्वेश्चन, डब्ल्यू एच वर्ड समझते हैं, कौन सा, कौन सी, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ऐसे वो शब्दों को हम लोग डब्ल्यू एच वर्ड बोलते हैं अंग्रेजी में, डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू और एच से शुरू होने वाले शब्द। चलिए कुछ वाक्य देखिए, कौन सी किताब पढ़ने का समय हो गया है, कौन सी किताब, डब्ल्यू एच वर्ड, विच बुक, विच बुक इज इट टाइम, कौन सी किताब का समय हो गया है, विच बुक इज इट टाइम टू रीड, किस किताब के पढ़ने का समय हो गया है, विच बुक इज इट टाइम टू रीड, है ना आसान, बिल्कुल आसान है, बशर्ते आप में सीखने की लगन हो, सीखने की इच्छा हो, आप में इंटरेस्ट हो इंग्लिश सीखने का, सब आसान है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला वाक्य, किस ट्रेन के आने का समय हो गया है, किस ट्रेन के आने का समय हो गया है, विच ट्रेन इज इट टाइम टू अराइव, विच ट्रेन इज इट टाइम टू अराइव, है ना आसान, किस ट्रेन के आने का समय हो गया है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे शेयर करना ना भूलें, और हाँ यदि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक